मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था चैप्टर 8 जिसका नेम है मेरी किताब। जिसका क्या नेम है? मेरी किताब। आज हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो अब हम क्या शुरू करते हैं? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। माँ ने वीरू को पास भेजा। दादी के, भाभी के, मौसी के। माँ ने वीरू को किसके पास भेजा था? किसके पास भेजा था? मौसी के। मौसी के पास किताबों से भरी दीवारें थी। 3, 2, 4 कितनी दीवारें थी? 2। कितनी दीवारें थी? 2 दीवारें थी। वीरू ने मौसी से किताब के बारे में पूछा। बच्चों की, बड़ों की, दोनों की। वीरू ने मौसी से किताब के बारे में पूछा। किसकी किताब के बारे में पूछा? बच्चों की किताब के बारे में। किसकी किताब के बारे में? बच्चों की। मौसी ने अगली बार वीरू को लाने को कहा। खिलौना, फुट्टा, बस्ता। क्या लाने को कहा था मौसी ने वीरू को? फुट्टा। क्या लाने को कहा था? फुट्टा। माँ ने वीरू को पास भेजा मौसी के। मौसी के पास किताबें से भरी दीवारें थी 2। वीरू ने मौसी से किताब के बारे में पूछा। बच्चों की। मौसी ने अगली बार वीरू को लाने को कहा। क्या लाने को कहा था? फुट्टा। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे। क्या करोगे? अच्छे से राइट करोगे, इसको अच्छे से लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पे गलत का निशान लगाइए। क्या करना है हमको? सही कथन पे सही का निशान लगाना और गलत कथन पे गलत का निशान लगाना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? माँ ने वीरू को मौसी के पास सेब लेकर भेजा। ये सही है या गलत है? ये गलत है। मौसी के पास बहुत सी किताबें थी। ये सही है या गलत है? ये सही है। मौसी के पास क्या थी? बहुत सी किताबें थी। मौसी के पास बहुत सी किताबें थी। अगला क्वेश्चन क्या है? वीरू को अपनी पसंद की किताबों के बारे में पता था। वीरू को अपनी पसंद की किताबों के बारे में पता था। था क्या पता वीरू को अपनी पसंद की किताबों के बारे में? वीरू को अपनी पसंद की किताबों के बारे में नहीं पता था। तो ये क्या है? ये रॉन्ग है, ये गलत है। उसको नहीं पता था। और इसमें क्या लिखा हुआ है? वीरू को अपनी पसंद की किताबों के बारे में पता था। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? ये गलत हो गया। अगला क्या है? मौसी ने वीरू की पसंद की किताब खोज दी। मौसी ने वीरू की पसंद की किताब खोज दी। ये सही है या गलत है? खोजी थी क्या मौसी ने? नहीं। तो ये क्या है? गलत है। वीरू को छोटी छोटी तस्वीरों वाली किताब पसंद आई। वीरू को छोटी छोटी तस्वीरों वाली किताब पसंद आई। ये भी क्या है? ये भी गलत है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था? सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पे गलत का निशान लगाइए। तो इसमें आपको क्या करना था? जो सही था उस पे सही का तथा जो गलत था उस पे गलत का निशान लगाना था। तो इसको आप क्या करोगे? इसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और जो सही है उस पे सही का निशान लगाओगे और जो गलत है उस पे गलत का निशान लगाओगे और इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में
राइट करोगे, ओके, और क्या करोगे इसको अच्छे से? लैंड करोगे, क्या करोगे? लैंड करोगे, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बाप रे, इतनी सारी क्या पढ़ा था हमने चैप्टर में? बाप रे, इतनी सारी किताबें। बाप रे, इतनी सारी किताबें। अगला क्या है? वीरू आंखें देखती रही फाड़े। वीरू आंखें फाड़े देखती रही। बाप रे, इतनी सारी किताबें। वीरू आंखें फाड़े देखती रही। वीरू ने किताब के पलटे पन्ने। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे। वीरू को मेज पर रखकर भाग खड़ी हुई। कागज। वीरू कागज को मेज पर रखकर भाग खड़ी हुई। बाप रे, इतनी सारी किताबें। वीरू आंखें फाड़े देखती रही। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे। वीरू कागज को मेज पर रखकर भाग खड़ी हुई। तो इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है, ओके। तो इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो क्वेश्चन हमने अभी किए हैं, इसको आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है अपनी नोटबुक में? अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लैंड करना है। क्या करना है? इनको पहले अच्छे से राइट करना और फिर अच्छे से लैंड करना है, ओके। ओके बच्चों, तो आज आप क्या करोगे? इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करोगे और इनको अच्छे से लैंड करोगे। और इससे पहले क्या करोगे? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, जिससे आपसे ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से लैंड भी हो जाएंगे, ओके। ओके बच्चों, तो इनको आप अच्छे से राइट करोगे और इसको अच्छे से लैंड करोगे, ओके। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम करेंगे अगला क्वेश्चन, ओके। ओके, थैंक यू बच्चों।